जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। कैलिफोर्निया से एंटीकास्ट बिल SB 403 को लेकर आज बड़ी खबर आई। जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने एक और कदम बढ़ा दिया है। कैलिफोर्निया राज्य में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाले बिल SB 403 को असेंबली जुडिशियर कमेटी ने भी पास कर दिया। 5 जुलाई को हुई वोटिंग में SB 403 80 से पास हो गया। 2 वोट गैर हाजिर रहे, यानी SB 403 सर्वसम्मति से पास हो गया। अब ये बिल अप्रोप्रिएशन कमेटी के पास जाएगा, जहां ये कमेटी इस बात पर फैसला करेगी कि SB 403 को कैलिफोर्निया की राज्य बजट प्राथमिकताओं में जगह मिलनी चाहिए या नहीं। यानी ये बिल कानून बनने से बस थोड़ी ही दूर है। इस बिल को कैलिफोर्निया में सीनेटर आयशा वाहब ने पेश किया था। ये बिल जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करेगा। बिल को 11 मई 2023 को कैलिफोर्निया सीनेट ने 34-1 से पास कर दिया था। अगर ये बिल असेंबली में भी पास हो जाता है तो ये कास्ट को राज्य की प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल देगा, जिससे नौकरी, घर, शिक्षा, हेल्थ केयर, बिजनेस सर्विसेज, पब्लिक और प्राइवेट जमीन के कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह में होने वाले जातिगत भेदभाव पर रोक लगेगी। और अगर कोई जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकेगी, उस पर मुकदमा भी चल सकेगा। अमेरिका में दशकों से चल रहे एंटीकास्ट मूवमेंट और अंबेडकरवादियों की सालों की मेहनत के बाद कैलिफोर्निया इतिहास रचने के करीब है। रविदास साहिब ने जो सपना बेगमपुरा का देखा था, कैलिफोर्निया उसी तरह का बेगमपुरा बनाने की कोशिश कर रहा है। कैलिफोर्निया लेबर फेड, ACUL, मीटू मूवमेंट, साउथ एशियन बार एसोसिएशन, कैलिफोर्निया एशियन जैसे सैकड़ों संगठन इस मुहिम में शामिल हैं। अमेरिकन बार एसोसिएशन, एशियन लॉ कॉकस, इक्वेलिटी लैब्स, जकारा मूवमेंट, साउथ एशियन नेटवर्क, हिंदू फॉर कास्ट इक्विटी, कास्ट इक्विटी लीगल टास्क फोर्स, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, श्री गुरु रविदास सभा समेत 30 से ज्यादा सिख गुरुद्वारे और कई अंबेडकरवादी संगठन इस मुहिम में, इस एंटीकास्ट मुहिम में शामिल हैं और कैलिफोर्निया में एंटीकास्ट लॉ बनाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरह का ये पहला कानून है जो कैलिफोर्निया में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न पर रोक लगाएगा। SB 403 एक ऐसे समुदाय के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जिसे ऐतिहासिक रूप से नजरअंदाज किया गया है, और इसमें जातिगत भेदभाव का सामना करने वाले सभी समुदाय शामिल हैं। ये इस बात की भी पुष्टि करता है कि कैलिफोर्निया उन लोगों के साथ खड़ा है जो जाति आधारित भेदभाव से पीड़ित हैं। ये कानून भावी पीढ़ियों को जातिगत भेदभाव से मुक्ति की गारंटी देता है। इस बिल के पास होने पर प्रमुख संगठनों और व्यक्तियों ने कहा है कि ये बिल ऐतिहासिक है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। श्री गुरु रविदास कम्युनिटी बेकर्सफील्ड के डॉक्टर निर्मल सिंह कहते हैं, मेरे लिए ये जीत कैलिफोर्निया में जातिगत भेदभाव को समझने की बदलती धारा का प्रतिनिधित्व करती है। ये तथ्य है कि जाति उत्पीड़ित लोगों को हमारे बुनियादी मानवाधिकारों के लिए खड़े होने की अनुमति दी गई है, अपने आप में एक ये बड़ी जीत है। SB 403 के कारण अब हमें समान व्यवहार पाने के लिए डर के मारे छिपना या अपना नाम नहीं बदलना पड़ेगा। हम अपनी जाति उत्पीड़ित पहचान में सुरक्षित रूप से खड़े हो सकते हैं और विभिन्न जातियों के कई अन्य दक्षिण एशियाई लोगों और कैलिफोर्निया वासियों के साथ श्रम और अंतरधार्मिक आंदोलनों में काम कर सकते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कैलिफोर्निया सभी के लिए समान अवसर सुलभ कराता है। इक्वेलिटी लैब्स की थेनमोई सुंदरराजन कहती हैं, आज की जीत हर जगह जाति उत्पीड़ित लोगों की प्रगति में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जाति उत्पीड़ित लोगों के गंभीर भेदभाव को समझने के लिए हम न्यायपालिका समिति के आभारी हैं और हम इस विधेयक की निरंतर सफलता और कैलिफोर्निया और सभी दलित लोगों के लिए नागरिक अधिकारों का इतिहास बनाने के लिए तत्पर हैं। हमारे पूर्वज इस नुकसान को रोकने, इसके उपचार और मेल मिलाप का रास्ता बनाने के लिए हमारे साथ हैं। वहीं श्री गुरु रविदास कम्युनिटी यूनियन सिटी के विनोद चुंबर इस बारे में कहते हैं, यही वो क्षण है जिसका हमारे लोग इंतजार कर रहे थे। भेदभाव समाज के लिए कलंक है जो हमसे हमारी सामूहिक क्षमता छीन लेता है। आइए हम जाति आधारित भेदभाव की बेड़ियों से ऊपर उठें और समानता को अपनाएं, क्योंकि एकता और स्वीकृति में ही हम सच्ची प्रगति और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य पाते हैं। अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की ओर से माया कांबले इस बारे में कहती हैं, इस विधेयक के विरोधियों के सुझाव के बावजूद SB 403 सभी के लिए एक बेहतर, अधिक उन्नत और अधिक शांतिपूर्ण कैलिफोर्निया का निर्माण करना चाहता है। ये विधेयक न तो कभी हिंदुओं या किसी विशिष्ट आस्था को निशाना बनाएगा और न ही कभी उन्हें टारगेट करेगा, बल्कि ये सभी को सुरक्षा प्रदान करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कैलिफोर्निया सबसे समावेशी अमेरिकी राज्यों में से एक के रूप में अपना खिताब बरकरार रखे। और भी कई संगठनों और व्यक्तियों ने इस बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की है। अब ये बिल कानून बनने के और करीब है और जल्द ही कैलिफोर्निया में ये ऐतिहासिक कानून पास हो जाएगा।
अमेरिका में बसे तमाम अम्बेडकरवादियों ने यह इतिहास रचने के लिए जान लगा रखी है। एक तरफ वो इस कानून के लिए लोगों के बीच ओपिनियन बना रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये कानून क्यों ज़रूरी है, रायशुमारी कर रहे हैं, कानून बनाने वालों को समझा रहे हैं, उनके साथ डेलीगेशन भेज रहे हैं, उनको मेमोरेंडम दे रहे हैं और उनको इस कानून के पक्ष में वोट करने के लिए मना रहे हैं। और दूसरी तरफ वो तमाम हिंदूवादी संगठनों के षड्यंत्र का भी मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका में बसे सवर्ण हिंदुओं के संगठन इस बिल का ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि ये हिंदुओं को टारगेट करेगा और हिंदुओं की छवि खराब करेगा, जबकि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बिल हर साउथ एशियन व्यक्ति को जातिवाद से सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं है बल्कि साउथ एशियन ओरिजिन के हर व्यक्ति को इस बिल में प्रोटेक्शन मिलेगी। यानी ये बिल सिर्फ वहां बसे दलितों के लिए भी नहीं है बल्कि हर साउथ एशियन व्यक्ति के लिए है, और जो भी जातिवाद का शिकार होगा उसको इसमें सुरक्षा मिलेगी। हर भारतीय के साथ साथ ये हर नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई और अन्य जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके नागरिकों को भी जातिवाद के खिलाफ कानूनी अधिकार देगा, उनको कानूनी अधिकार मिलेंगे। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों सिर्फ सवर्ण हिंदू ही, जो भारत के सवर्ण हिंदू हैं, वही लोग इससे परेशान हैं, उन्हीं को ये दिक्कत हो रही है। शायद ये लोग चाहते ही नहीं कि कभी जाति और जातिवाद का खात्मा हो, लेकिन तमाम साजिशों, प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव गढ़ने के बावजूद भी अंबेडकरवादियों की जीत हो रही है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकरवादी इतिहास में न्याय की तरफ खड़े हुए हैं और मनुवादी अन्याय की तरफ खड़े हैं। सिर्फ यही वो सच है जो एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और दनादन ये एक के बाद एक कमेटी में पास होता जा रहा है। मनुवादी नकारते रहते हैं कि अमेरिका में कोई जातिवाद नहीं होता, लेकिन तमाम रिसर्च और रिपोर्ट्स में ये साबित हो चुका है कि अमेरिका में बसे सवर्ण भारतीय अन्य जाति के लोगों के साथ ना सिर्फ जातिगत भेदभाव करते हैं बल्कि उनके साथ जातीय उत्पीड़न भी करते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से अमेरिका में SC/ST एक्ट की तर्ज पर एंटी कास्ट लॉ बनाने की मांग उठ रही थी। पहले अमेरिका के शहर सिएटल में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर बैन लगा और अब कैलिफोर्निया में भी इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अब अगर कैलिफोर्निया में ये बिल पास हो गया तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला राज्य होगा जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर बैन होगा और इसके बाद पूरे अमेरिका में एंटी कास्ट कानून बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां सवर्ण हिंदू बसे हैं वहां वहां जातिवाद के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिकी ड्रीम को हकीकत बनाने के लिए जाति की इस बीमारी का मुकम्मल इलाज किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय की जीत होगी और अन्याय बुरी तरह से हार जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अपील है कि अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।